बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है ये सभी जानते हैं, और अमेरिका को भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बांग्लादेश को ये कहना पड़ गया था कि बांग्लादेश अपने यहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा करने पर ध्यान दे। साथ ही दुर्गा पूजा को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसका भी निपटारा करे। और ये सब होने की देरी थी कि मोहम्मद यूनिस को भी कहना पड़ गया दुर्गा पूजा केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि सबका त्यौहार है। और ये सब चल ही रहा था कि भारत ने जो बांग्लादेश को बकाया चुकाने के लिए अल्टीमेटम के तौर पर सोवरेन गारंटी की धमकी दी थी कि अगर बांग्लादेश की कोई भी कंपनी भुगतान नहीं कर पाती है तो बांग्लादेशी सरकार उसकी जगह भुगतान करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में बांग्लादेश पर भारत का लगभग $1 बिलियन से ज्यादा की राशि बकाया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा अदानी पावर का ही है। और हाल ही में बांग्लादेश ने अदानी पावर को $50 मिलियन का भुगतान भी किया है। मतलब इतने कम की पेमेंट बांग्लादेश की तरफ से की जा रही थी, मानो कोई मजाक ही चल रहा हो। यही वजह है कि भारत ने सोवरेन गारंटी की शर्तों को सामने ला दिया, जो कि भारत ने बांग्लादेशी कंपनियों के साथ की थी, क्योंकि अगर यहाँ भारत का पैसा अटकता है तो उसके लिए फिर बांग्लादेशी सरकार को इसकी पूरी भरपाई करनी होगी। फिर क्या था, भारत का ये अल्टीमेटम ही काम कर गया और बांग्लादेशी करेंसी में भारत का जो बकाया है वो टका 8,000 करोड़ है, जिसमें से अब बांग्लादेश टका 5,000 करोड़ भारत का बकाया क्लियर करने को भी तैयार हो चुका है। मतलब यहाँ सबसे पहले भारत की पेमेंट ही क्लियर की जाएगी। यही वजह है कि बांग्लादेश भारतीय कंपनियों की रुकी हुई पेमेंट को निपटाने के लिए अब एक नई रणनीति अपना रही है, जिसमें से बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि BPDB ने बॉन्ड जारी करने का तरीका अपनाया है। इससे बिजली उत्पादकों पर आर्थिक दबाव कम होगा और बिजली क्षेत्र में स्थिरता आएगी। दरअसल BPDB ने बांग्लादेश के एक बैंक से बात की है और उसने बॉन्ड्स जारी करने के लिए कहा है, और ये बॉन्ड्स आम लोगों को बेचे जाएंगे ताकि लोग इसमें पैसे लगाएं। इसके बदले BPDP निवेशकों को 8% ब्याज देगी। उदाहरण के लिए अगर कोई 10,000 टका का बॉन्ड खरीदेगा तो उसको एक साल बाद 10,800 टका मिलेगा, यानी कि 800 रुपए का फायदा। मतलब यहाँ बांग्लादेश बॉन्ड का सहारा लेकर भारत की पाई पाई चुकाने की बात कह चुका है। बता दें कि बॉन्ड जारी करने का सुझाव पहले बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय को दिया गया है, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही बॉन्ड जारी किए जाएंगे। बता दें कि पिछली शेख हसीना सरकार के अंडर भी इसी तरह के बॉन्ड का सहारा लिया गया था ताकि पुरानी पेमेंट चुकाई जा सके। मतलब ये जांचा परखा तरीका है। मतलब अब अडानी के साथ ही साथ भारत की बाकी कंपनियों के लिए भी ये राहत की बात है, क्योंकि अब उनके भी अटके हुए पैसे मिल सकेंगे, क्योंकि भारत यहां खैरात तो बांट नहीं रहा है कि फ्री में ही सब कुछ चलता रहेगा। तभी भारत की तरफ से बांग्लादेश को बीच बीच में चेतावनी भी दी जा रही थी ताकि बांग्लादेश पर प्रेशर बनाया जा सके। यही वजह है कि पहले भारत ने बैंक गारंटी कमिटमेंट की बात की थी और हाल ही में सोवरेन गारंटी कमिटमेंट की बात की थी, जिसकी बदौलत आज भारत को बॉन्ड्स के रूप में कुछ राहत मिलने के संकेत मिल चुके हैं। और जिस तरह से अभी बांग्लादेश में हालात हैं, भारत का पेमेंट क्लियर होना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और बांग्लादेश अगर ये सारी पेमेंट क्लियर कर देता है तो उसके बाद भारत को उसकी एक बड़ी पेमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए, जिसमें $4 से $5 बिलियन की भारत ने जो बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट दी है उसके बारे में एक बार तो उससे सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की अस्थिरता बांग्लादेश में बनी हुई है लगता नहीं है कि लंबे समय तक बांग्लादेश खुद के बूते पर कुछ कर सकेगा। तो भारत को भी इसको लेकर बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे देना चाहिए, क्योंकि जिस बांग्लादेश को हमने क्रेडिट दिया था आज ये वो बांग्लादेश नहीं रहा है, तो भारत को भी इसमें संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है। देखा जाए तो यहाँ बांग्लादेश को रूस को भी रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी दिए गए कर्ज का बकाया चुकाना है, जिसके टोटल 5,300 करोड़ रुपए होते हैं। देखा जाए तो यहाँ बांग्लादेश रूस से पहले भारत के पैसे देने को राजी हो चला है। मतलब ये भारत के लिए तो अच्छा है, और ये भारत के हक की पेमेंट है तो इसको भारत तो लेकर ही रहेगा, चाहे देश छोटा हो या बड़ा। अगर भारत के साथ वो अच्छा है तो भारत भी उसकी बात सुनेगा, अगर भारत के आगे वो टेढ़ा होगा तो भारत भी उसको तोड़ने में जरा सी भी देरी नहीं करेगा।